1999 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है फाइट क्लब, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। एडवर्ड नॉर्टन, ब्रैड पीट, हेलेना कार्टर, ये सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में। ये कहने के लिए तो ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी भी हमारे सामने रखती है, एक फिलोसफी हमारे सामने रखती है, तो उससे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। ये सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है, इस फिल्म को हम रिव्यू नहीं करने वाले। आज 19-20 साल हो गए इस फिल्म को। तो ये फिल्म जो है ये कंज्यूमरिज्म के बारे में, मटेरियलिज्म के बारे में बात करती है, कंफर्ट जोन के बारे में बात करती है, और साइकोलॉजी इश्यूज लाइक अल्टर ईगो या फिर DID मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में भी बात करती है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब फिल्म में हम अगर देखने जाए तो सुपरफिशियली हमें ये सब पता नहीं चलेगा, लेकिन हिडन मीनिंग बहुत सारे हैं इसके। तो ये एक कहानी जो है एडवर्ड नॉर्टन की है, जिसका ऐसा कोई नाम नहीं है फिल्म में, आगे जाकर उसका नाम हमें पता चल जाता है सस्पेंस में। तो ये जो आदमी है, ये मतलब जो 30 साल का इंसान है, ये एक बड़ी कार कंपनी में काम करता है, और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल है इसकी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और साथ ही में इसे इंसोमिनिया का इशू भी है, मतलब रात को सो नहीं पाता, और इसे जेट लैग का इशू भी है, क्योंकि काम की सिलसिले में जहाँ जहाँ जाता है वो एरोप्लेन से जाता है, इसलिए जेट लैग का भी इशू है। इंसोमिनिया, जेट लैग, ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं, और कंज्यूमरिज्म में फंसा है, जो भी चीज़ नई मार्केट में आती है वो उसे खरीदनी है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी है। तो इंसोमिनिया के लिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ स्लीपिंग पिल्स दो ताकि मैं इससे बाहर निकलूं। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, पिल्स मैं नहीं दूंगा, मतलब नींद की गोलियां मैं नहीं दूंगा तुम्हें। तो वो कन्विंस करता है कि मैं दर्द में हूँ, मुझे दे दो गोलियां। तो वो कहता है अगर सच में दर्द देखना है तो कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पर जाओ, तुम्हें सच में दर्द क्या होता है ये महसूस होगा। तो ये सिर्फ देखने के लिए उस कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाता है, और सपोर्ट ग्रुप में ये होता ये है कि ये जो लोग होते हैं जिन्हें कैंसर है, एक दूसरे को सिंपथी देते हैं, दिलासा देते हैं, रोते हैं। तो ये आइडिया इसे अच्छा लगता है। यहाँ वहाँ पे जाता है, ऐसे दिखाता है कि उसे भी कैंसर है, और एक सिंपथी हासिल करता है, रोता है, और एक इमोशनल चेंज ओवर आ जाता है उसके, मतलब साइकोलॉजिकल एक चेंज ओवर आ जाता है, इमोशनल चेंज ओवर आ जाता है, और वो रात को सो पाता है सिंपथी की वजह से। ये सब चल रहा है और वो एक कम्फर्ट जोन में फंसा हुआ है, मतलब वो फिर आगे जाकर उसे लत लगती है, अलग अलग सपोर्ट ग्रुप, कहाँ कहाँ स्केड्यूल है, इसका टाइमिंग निकालेगा, अलग अलग सपोर्ट ग्रुप पर जाकर बैठेगा, और वो सिंपथी लेगा, रोएगा, एक इमोशनल चेंज ओवर उसमें आएगा, रात में सोएगा। ये सब चल रहा है, एक कम्फर्ट जोन में फंसा हुआ है। ये कम्फर्ट जोन से निकालने का काम एक लड़की करती है, जो खुद इम्पोस्टर बनकर इस सपोर्ट ग्रुप में आती है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक रिच है, मतलब अमीर है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी, और ये पॉवर्टी में है। तो ये आती है फ्री स्नैक्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, और उसका टाइम कटता है, और ये आता है सिर्फ साइकोलॉजिकल पीस के लिए, नींद के लिए। लेकिन उसका आना और उस कैरेक्टर का, उस लड़की का नाम उस फिल्म में है मारला सिंगर। तो ये मारला सिंगर उसे डिस्टर्ब करती है, मतलब एक गिल्ट लाती है, तो वो एक धकेलती है उसको, कम्फर्ट जोन से किक करती है उसे, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है, और उसमें उसे बाद में फिर वो इंसोमेनिया का इशू शुरू हो जाता है। वो आगे जाकर वो सपोर्ट ग्रुप कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि जो कंफर्ट उसे मिलता है वो कंफर्ट लेवल उसका ख़त्म हो जाता है, और इसी दौरान वो एक साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन भी फेस करने लगता है, हेलुसिनेट करने लगता है, और उसका अल्टर ईगो जो है DID जागृत हो जाता है। और ये जो अल्टर ईगो दिखाया गया है हमें, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, ये जो है वो इस रूप में हमें ब्रैड पीट देखने को मिलता है, और इस ब्रैड पीट का नाम इस फिल्म में है टाइलर डर्डन, और ये एक साबुन बनाता है और बेचता है, इज ए सेल्समैन, सोप सेल्समैन है। अब ये साबुन को देख के दिखाकर बहुत सारा सिंबलिज्म, बहुत सारा मीनिंग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये साबुन देखने के लिए घर में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इससे बम भी बना सकते हैं, एक्सप्लोजिव्स भी बना सकते हैं, ऐसे दो चीज़ें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो टाइलर डर्डन है, ब्रैड पीट है, ये उसका अल्टर ईगो है।
ये जो मतलब ब्रैड पीट का जो रोल है, मतलब जो इसका अल्टर ईगो, वो सारी चीजें करता है जो इसकी करने की ख्वाहिश है, एडवर्ड नॉर्टन की जो मेन हीरो है, उसकी जो करने की जो भी ख्वाहिश है, क्योंकि वो आजाद है, कहीं पे फंसा हुआ नहीं है, मतलब किसी भी चीज का वो गुलाम नहीं है, जैसी चाहे वो जिंदगी जी सकता है, ना वो कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है, ना मटेरियलिज्म में फंसा हुआ है, ना ऐसी कोई नौकरी करता है जिसके लिए वो उसे गुलामी झेलनी पड़े, उसे स्ट्रगल करना पसंद है, अपने खुद के लिए फाइट करना पसंद है। तो उन्होंने एक सिंपलिज्म के लिए एक फाइट क्लब दिखाया है जहां लोग लड़ना भूल गए हैं, रोज की जिंदगी में उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। अब वो लड़ना, वो फाइट किसी भी चीज के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल हो। हमें दिखाने के लिए सिंबलिज्म के रूप पर वो एक फिजिकल फाइट दिखाई गई है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, चीजों के लिए लड़ना, स्ट्रगल करना, कंज्यूमरिज्म में ना फंसना, या उन सारी चीजों का गुलाम ना होना जो आपकी सेवा में है, ना कि हम उसके गुलाम हो, मतलब ब्रांड्स के गुलाम होना, कैपिटलिज्म के गुलाम होना, ये सारी चीजों से बाहर आना जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। ये सारी चीजें ब्रैड पिट के दिमाग में है, मतलब टायलर डर्डन के, ये मेन हीरो नहीं सोच सकता, तो उसके अल्टर ईगो के थ्रू ये सब वो करता है। और उसका अल्टर ईगो जो है वो उससे ज्यादा क्लेवर है, स्मार्ट है, उसे मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसका इन्फ्लुएंस पूरे देश में फैल जाता है, मेजर मेजर सिटीज में, मेजर मेजर सिटीज में जाकर वो फाइट क्लब को फॉर्म करता है। वहां पे दो लोग आते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और अगर आगे जाके एक ऐसा भयानक प्लान बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट मेहम करके बनाते हैं, वहां पे ये कंज्यूमरिज्म से डायरेक्टली लड़ेंगे, बैंकों को उड़ाएंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उड़ाएंगे, ताकि पूरा एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ जाए और लोग ये मटेरियलिज्म से बाहर आएंगे, भौतिकतावाद से या उपभोक्तावाद से ये लोग बाहर आएंगे। इस कोशिश में ये क्रेडिट कार्ड कंपनी उड़ाने की कोशिश करते हैं, और जो भी ब्रांडेड ब्रांडेड कॉरपोरेट जो चीज़ें हैं, मतलब कॉरपोरेट कंपनीज के लिए या फिर ब्रांडेड चीज़ों के लिए इनके दिमाग में बहुत नफरत है। इसलिए नफरत है क्योंकि ये चीज़ें बाद में लोगों को गुलाम बनाती हैं, मतलब लोग उसे एज ए यूटिलिटी देखना बंद करके ज़रूरत देखना शुरू करते हैं। लग्जरियस आइटम लग्जरियस नहीं रह जाते, वो एक ज़रूरत बन जाती है और उसके गुलाम हो जाते हैं लोग। तो इसलिए टाइलर की चिढ़ है ऐसे सब सारी चीजों से, तो वो खत्म करना चाहता है उन्हें, और एक अंदर एक स्ट्रगल पैदा करना चाहता है, कंफर्ट जोन से लोगों को बाहर निकालना चाहता है। इसलिए उसने अलग अलग प्रोजेक्ट्स सोचे हैं, और जिसमें वॉयलेंस ज्यादा है, और मतलब वो पीसफुली कुछ नहीं करना चाहता। तो ये सब कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है कि एक आदमी जो खुद के कैरेक्टर में रह के कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ वो अपने अल्टर ईगो से करवाता है। तो आखिर में जब जो टायलर डर्डन चाहता है वही होता है, और ये दोनों लोग एक ही होते हैं, इसका सस्पेंस हमें बाद में पता चलता है। लेकिन ये पूरी फिल्म इस बारे में हमें बताती है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो फुल ऑफ रिसोर्सेस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनकी जिंदगी मतलब अच्छी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा है, लेकिन वो खुश नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में अटक गए हैं, जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये फिल्म बनाई गई होगी, जो मटेरियलिज्म में कैद हैं, कंज्यूमरिज्म में कैद हैं, ब्रांडेड चीजें चाहिए, इसी मानसिकता में वो कहीं खो गए हैं और असल जिंदगी देख नहीं पाते। शायद इस सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए, ये फिलोसफी को दर्शाने के लिए शायद ये पूरी फिल्म बनाई गई है, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग तरीके से और अलग तरीके से इसे बनाया गया है। पूरी आइडियोलॉजी बस यही बताती है, तो उसके लिए अलग अलग सीन, अलग अलग कुछ कॉजेस रखे हैं ताकि ये अपने एंड तक जाकर पहुंचे। कुछ चीज़ों से आदमी एग्री कर सकता है, कुछ चीज़ों से नहीं, मतलब इसका अल्टर ईगो जब एक लिमिट से बाहर चला जाता है, तो खुद ये जो एडवर्ड नॉर्टन है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका अल्टर ईगो अभी उसका नहीं सुनता है, उसकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी अभी उसकी नहीं सुनती, वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। तो उसे रोकने के लिए ये खुद को डैमेज करता है, और वहाँ पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ दिखाया है। लेकिन बहुत बेहतरीन फिल्म है, और अलग फिलोसफी हमारे सामने की रखने की कोशिश करती है। चलिए, ये तो था पूरा फिल्म का एनालिसिस, अगले वीडियो में कुछ अलग डिस्कस करेंगे मूवीज़ के बारे में। थैंक यू।